हो गया। किया आपने वो वाला फार्मूला आज नहीं चला, कल तक चल रहा था, आज नहीं चला जी। मैंने कहा आज नहीं चला वो, आज उसने फार्मूला चेंज कर लिया। ठीक है, अब कह रहे मैं यहाँ से चलूंगा। ये आ गया जी, यहाँ पे मैंने एक और टाइप किया, उसको छोटा कर दिया बस, और तो कुछ नहीं किया। पर ये हम कह रहे हैं कि भाई डिजाइनिंग नहीं आती है, वेबसाइट पे लोगो भी बना के लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं हल बता रहा हूँ आपको। और इसका कलर चलें चेंज कर देते हैं। यहीं से चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, बस काम हमारा हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई यही लोगो है हमारा सपोज, तो बाकी की चीज़ों की तो जरूरत नहीं है, तो ये वाइट पेज तो नहीं चाहिए हमें, बाकी इतना बड़ा पेज जो बनाया हुआ है मैंने। अब हम क्या करते हैं, आप देखें लेयर पे जाते हैं, सॉरी इमेज पे जाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रिम। ये ट्रिम का मतलब है, ये जो इमेज के अंदर ट्रिम का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि इमेज को ट्रिम करो, मतलब पेज को ट्रिम करो, यानी कि वो वाला हिस्सा ट्रिम होगा जहां पर इमेज नहीं है। हो गया। अब इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड भी आ रहा है। अब फोटोशॉप में पहले भी आपने इमेज बनाया उस तरीके से, जब हम इमेज बनाते हैं ना तो बैकग्राउंड साथ आता है। अब मैं एक और तरीके से इमेज बनाना आपको बताऊंगा, उसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा साथ, ताकि हम किसी चीज के ऊपर ओवरलैप जब करेंगे तो व्हाइट कलर नहीं नजर आएगा, बल्कि सिर्फ नजीब्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ ही नजर आ रहा होगा। बैकग्राउंड साथ हम मूव नहीं करना चाहते। तो ये राइट साइड पर एक विंडो नजर आ रही है आपको, आ रही है, इज कॉल्ड लेयर विंडो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये नहीं आ रही, लाइव हो गई ना, मैं दोबारा से F7 करता हूँ, आ गई है। यानी अगर आप लेयर विंडो नाम से ही अंदाजा हो रहा है ना कि भाई लेयर कंट्रोल हो रही है यहाँ से, तो लेयर कोई कंट्रोल वाली ऑप्शन देखनी है तो लेयर विंडो को ले आओ, लेयर विंडो को लेकर आना है तो F7 प्रेस कर दो, सिंपल। हमने F7 प्रेस किया, लेयर की विंडो आ गई, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूँ भाई ये नहीं चाहिए मुझे, इसे यहाँ से खत्म करना है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं अभी पुराने तरीके से सेव करूंगा फिर वो वाइट बैकग्राउंड दिखाएगा साथ। अब मुझे क्या करना है, इसका वाइट बैकग्राउंड नहीं देखना। अब हम किस तरह फाइल को सेव करें, ठीक है, तो मैं फाइल में जाता हूँ। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस इमेज को ट्रांसपेरेंट सेव करना है मुझे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नजर आया ना, पीछे से कुछ नजर नहीं आ रहा, वाइट कलर कोई कलर नहीं है इसका, तो अब मैं करूंगा सेव फॉर वेब। देखिए ये ऑप्शन आ रही है सेव फॉर वेब, ठीक है, खुद ही कह रहा है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। ठीक है, इस ट्रांसपेरेंसी को ऑफ करें, देखें क्या होता है, कलर आ गया ना पीछे। मैं कहता हूँ नो, इसे ऑन कर दे। अब मैं कहता हूँ सेव, ये काम करते हैं, इसको उधर लगा देते हैं लोगों के तौर पर, हाँ। और उधर लोगो क्या है हमारा, ये वाला है कमर्शियल किचन है, कमर्शियल किचन है, ओके। एक काम करें, कहाँ आए जी, फोटोशॉप में वापस आए और पीक में आ जाए, पीक के बाद DM जनवरी पे आए, अपने प्रोजेक्ट पे आए और इमेजेस पे आए। यहां पर लेकिन एक और चीज आ गई है, यहां पर ये इमेज कौन सा बन रहा है, PNG बन रहा है, इसका मतलब है वो PNG नहीं था, नहीं था ना, यानी अब क्या करना पड़ेगा, शाबाश, कोडिंग में भी जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ भाई यही वाली फाइल का नाम रखना है मुझे, लेकिन रखना मुझे PNG में ही है, ठीक है, देख लें यहाँ पर JPG है भी नहीं, नहीं है ना, तो ये इसको हमें PNG ही बनाना है। अब मैंने कहा कि हाँ भाई ये कमर्शियल किचन, नाम इसका यही रख दिया मैंने, तो जब कोडिंग में ही जाना है तो क्यों नाम ये रखे हैं, है ना, फिर हम इसका नाम रखते हैं नजीब्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, रख दिया जी, इस नाम को कर लेते हैं कॉपी, ताकि कोडिंग में जाकर भी हमें स्पेल मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएं। और इसको अब कर देते हैं यहाँ से सेव, सेव सही जगह पे हो रही है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करें, क्या काम करें जी, कोडिंग में आ जाएं, और वहां पर जो हमारा लोगो था वो क्या था, तो मैं वापस आ गया हूँ स्टार्ट पे, ये देखिए मैं स्क्रॉल करके ऊपर आता हूँ इस काम के लिए, इसलिए कि मैं जिस जगह पर मौजूद था जब मैंने सर्च करना है तो उसने उसके नेक्स्ट जाना है,
प्रीवियस उसने देखना ही नहीं है, और हो सकता है कि वो प्रीवियस हो, तो वो आपको कहेगा ये चीज़ तो है ही नहीं मेरे पास। तो आपने क्या करना है, हमेशा टॉप पे रखना शुरू करना है। कंट्रोल एफ, क्या ढूंढना था जी? कमर्शियल, सिर्फ किचन ही लिखा हुआ था ना, मैंने कहा सिर्फ कमर्शियल किचन था ना। फाइन, आगे वो ऑलरेडी पीएनजी थी भाई, ऑलरेडी पीएनजी थी ना। देखिए ये ऑलरेडी पीएनजी ही है, आपने मेरा ख्याल है प्रीवियस लेक्चर में पीएनजी ही बनाई थी इसकी। तो अब सिर्फ क्या रह गया, नाम चेंज हो ना, तो इसका नाम पेस्ट कर दें, चेंज हो गया। चलो सेव करें इसको, यानी असली तौर पर अब क्या होना चाहिए कि ये वाला जो लोगो है इसमें वो लोगो आ जाए जो अभी आप लोगों ने डिजाइन किया है, कि आप लोगों को फोटोशॉप नहीं आता, उस हिसाब से आपने जो डिजाइन किया। ठीक है, हो गया, बहुत बड़ा हो गया भाई। हाँ, अब क्या करें, इसको छोटा कर लें, छोटा करते हैं, इसको कोई बात नहीं है, 50% करते हैं इसको। ठीक है, चाहे तो फोटोशॉप से कर लें। ठीक है, एक काम करें ना, एक आपको और साइज में बता देता हूँ, यहाँ पे ये लोगो क्या साइज है इसका, 150x86 बेसिकली इसका ये साइज था, इसका साइज ये वाला था, हमने बड़े साइज में बनाया इसको, फोटोशॉप में आए। अब देखिए एक और नई चीज बताने जा रहा हूँ आपको, हाँ क्या साइज चेंज करने लगे हैं, बन क्या हुआ सब कुछ, पहले क्या साइज चेंज कर रहे थे बनाने से पहले, अब बना हुआ है, अब इसका साइज चेंज करना है मुझे, तो मैं कहता हूँ भाई इमेज, इमेज साइज क्या कह रहा है, कितना करना है, 150 बस, दोबारा देखें क्या है साइज जी, 150x86। ठीक है, इधर आ जाए वापिस और इसको कर दें, ये नहीं हुआ, ये देखे ये क्यों नहीं हुआ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि ये क्यों नहीं हुआ। मैंने इसको चेंज किया, ऊपर वाला खुद ही चेंज हो गया, हुआ है ना, इसकी साइज देखिएगा क्या है, ये देखें। अगर किसी के पास कोई और वर्जन होगा ना फोटोशॉप का नया, तो वो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। मैं क्या, यहाँ क्लिक करने से ये खत्म हो जाएगा नए वर्जन में, इसमें कहाँ से खत्म होगा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि वो कहता है भाई एक को चेंज करोगे मैं इनकी प्रोपोर्शन रखूंगा कि इनका साइज कैसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं भाई ये ना रखो, खत्म कर दिया हमने, अब वो भी खत्म हो गए, अब हम कहते हैं 150। अब नीचे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, समझ आ गई बात की, सो ये वाला इशू आया है तो इसका ये सोल्यूशन है। ओके, क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं दोबारा उसी जगह पे, चलो सही है। अगर आपको लगेगा अभी भी भाई ये बड़ा लग रहा है आपको, क्योंकि पहले जो थी ना वो तस्वीर थी, जो तस्वीर थी ना वो इस साइड के अंदर लेफ्ट साइड पे भी नहीं थी आ रही नजर, राइट साइड पे भी नहीं थी आ रही, टॉप पे भी नहीं थी, बॉटम पे भी नहीं, क्योंकि इमेज था ना, इमेज के शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आपको लगे कि भाई ये अभी भी बड़ा है, कैसे लगे, मिसाल के तौर पर मैंने इसको यूं किया, मोबाइल व्यू में कट दिया मैंने इसको, ठीक है, अब देखते हैं कैसा नजर आता है मोबाइल व्यू में, ठीक आ रहा है, नॉट बैड, हाँ नॉट बैड। अगर आपको लगे कि अभी भी बड़ा है ये, तो अब हम क्या करें, इसके साइज को और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई, ये टॉपिक हमने आज कर दिया कंप्लीट, कि भाई वेबसाइट को एडिट कैसे करना है। अब अगले लेक्चर में हमने एसईओ शुरू करनी है, और एसईओ में हम लोग दो चीज़ों को पैरेलल इकट्ठा पढ़ेंगे, एक होगी ऑन साइट एसईओ और एक होगी टेक्निकल एसईओ। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन साइट एसईओ की ऐसी होंगी जिसमें टेक्निकल एसईओ साथ चल रही होगी, तो ये क्या होती है ऑन साइट, क्या होती है टेक्निकल, अगले लेक्चर में सब कुछ होगा, ठीक है। एसईओ से रेलिवेंट हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अगला लेक्चर ही इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, तो जो मिस करेगा तो लाजमी बात है वो सारी ग्राउंड ही मिस कर देगा, ठीक है। अब ये चीज़ें मिस हों तो गड़बड़ है, अब आप एसईओ सीख रहे हो ना, ये मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब एक पूरे का पूरा मॉड्यूल बिल्कुल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, उसका किसी और चीज़ तल्लुक नहीं है। अब जिनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल मिस है, तो जब कोर्स को हम एंड करेंगे तो फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल दोबारा से, आप समझ लोगे साइक्लिक वे में कोर्स चलेगा,
ठीक है, अरे कौन सा है दूसरा, टेक्निकल एसईओ, एक ऑफसाइट भी होती है ठीक है, लेकिन हम अभी कह रहे हैं कि हम ऑनसाइट और टेक्निकल को देखेंगे हम लोग, ठीक हो गया।